भारतीय जनता पार्टी का दबाव अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर से हट जाएगा तो निष्पक्ष जांच होगी, इंडिया का अध्यक्ष बनाती है और वो अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करता है, तो इससे बड़ी शर्म की बात पूरे देश के लिए। दिल्ली पुलिस अगर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे FIR लगती है तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का दबाव अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर से हट जाएगा तो निष्पक्ष जांच होगी। अगर सरकार दबाव बना के रखेगी तो निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं। देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस दबाव के अंदर है, दिल्ली पुलिस दिल्ली के LG के अंडर काम करती है, दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्री के निर्देश पर काम करती है, या BJP का सांसद है उसका पक्षपात होने की पूरी यहाँ पे ऐसी भावना प्रतीत होती है कि उसके पक्षपात हो रहा है, इसलिए वो FIR लिखी गई थी। मैं सरकार से दरखास्त करना चाहूँगा, अमित शाह जी से दरखास्त करना चाहूँगा कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, ये जो दिल्ली पुलिस को फ्री छोड़ दें और इस शरण के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन होने दें। 100% पहलवानों ने भी ये घोषणा की है और एक्ट के तहत भी उसकी गिरफ्तारी बनती है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तो धरना यहाँ पर चलेगा। देखिए खिलाड़ी किसी राज्य का नहीं है, ये मेडल देश के लिए लाते हैं, किसी जाति के लिए नहीं लाते, किसी धर्म के लिए नहीं लाते, किसी राज्य के लिए नहीं लाते, अब इसको उसमें बांटना गलत है। आज सानिया मिर्जा ने तो दिया है, कपिल देव जी ने समर्थन दिया है, जितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं सबका समर्थन है इनके साथ।